तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजाबेथ लेयर्ड का एक रोमांस फिक्शन द हाउस ऑन द हिल। 1978 में ये पब्लिश हुआ था दोस्तों। अब ये जो वीडियो है दोस्तों, ये एक रोमांटिक स्टोरी होने वाली है, लव स्टोरी होने वाली है। अगर आप में से जिन भी व्यूअर्स को देखना पसंद है तो ये वीडियो उनको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जिनको पसंद नहीं है वो भी देखना, क्योंकि इस लव स्टोरी में एंड में जाकर के आपको जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैंने अपने नरेशन में कुछ सुधार किए हैं और कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की है नरेशन को। आई होप आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत गर्मियों की शाम थी। पॉल बहुत खुश था कि अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, कॉलेज भी ख़त्म हो चुका है, अब उसे एक जॉब चाहिए। ये एक राइटर बनना चाहता है, न्यूज़पेपर के लिए काम करना चाहता है, लेकिन ये सब बाद में, पहले ये थोड़ा रेस्ट चाहता है। बहुत गर्मी है इस घर में, हवा भी नहीं चल रही, एक वॉक पर जाता हूँ, पॉल ने अपने आप से कहा, और वो नीचे रिवर के पास चला गया वॉक के लिए। वो शांति से रिवर के साइड बाय साइड वॉक करता है और बर्ड्स को देखता है। सडनली उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो अकेली खड़ी थी, पानी में देख रही थी। शी वॉज यंग, वेरी ब्यूटिफुल। शी हैड अ लॉन्ग डार्क हेयर और उसने एक खूबसूरत सी वाइट ड्रेस पहन रखी थी। पॉल उसके पास गया और बोला, हेलो, क्या नाम है आपका? मारिया। उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। उन्होंने बहुत देर बात की, सूरज ढलने तक वो बात करते रहे। उसके बाद मारिया बोलती है, मुझे घर जाना होगा। वैसे कहाँ रहती हो तुम? पॉल ने पूछा। वो बड़े से वाइट हाउस में जो हिल पर है, मारिया ने कहा। और तुम कहाँ रहते हो? वहाँ मार्केट के पास में छोटा सा ब्राउन घर है, उसमें, पॉल ने कहा। और उसके बाद ये हंसने लगे। लेकिन पॉल अंदर से बहुत दुखी था कि इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की बहुत रिच और वो बहुत गरीब था, और अनफॉर्चुनेटली उसको प्यार हो गया था। इसके बाद पॉल और मारिया की अक्सर मुलाकात होती रहती थी रिवर के पास में। मारिया बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर आती थी, शी ऑलवेज लुक लवली, और पॉल तो बस उसी के बारे में दिन भर सोचता रहता था। अब एक शाम पॉल ने कहा, लिसन मारिया, मैंने तुम्हारे लिए एक पोएम लिखी है। उसने अपनी जेब में से एक पेपर निकाला और पोएम पढ़ने लगा। बहुत खूबसूरत पोएम थी। बहुत अच्छे हो तुम पॉल, मारिया ने कहा। आई लव योर पोएम। पॉल ने मारिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसकी आंखों में देखा और बोला, आई लव यू मारिया, डू यू लव मी? वो हंसकर बोली, यस ऑफ कोर्स आई लव यू। फिर तभी अचानक वो उठी और बोली, आई मस्ट गो होम नाउ। वो तो चली गई, लेकिन पॉल बहुत खुश था, पीछे से बोल रहा था, शी लव्स मी, मारिया लव्स मी। इसके बाद पॉल घर गया अपने लिटिल ब्राउन हाउस में। बहुत ही छोटा और पुअर सा घर, लेकिन हमेशा साफ रहता था, क्योंकि उसकी माँ उस घर को बिल्कुल साफ रखती थी। पॉल के फादर की डेथ हो चुकी थी, ये अपनी माँ के साथ वहाँ पर रहता था। उस शाम इसकी माँ ने इसको देखा और उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, इतने खुश क्यों हो? नथिंग, कुछ नहीं, पॉल ने कहा। लेकिन माँ सब समझती है, कुछ तो है बेटा। इसके बाद अगले दिन पॉल और मारिया फिर से मिले रिवर के पास। मारिया बहुत ही सैड लग रही थी, पॉल ने नोटिस नहीं किया। पॉल ने फिर से उसका हाथ लिया, मारिया भले ही मैं अभी गरीब हूँ, लेकिन एक दिन मैं बहुत फेमस राइटर बनूँगा। मारिया ने कुछ नहीं कहा। तुम इससे शादी करोगी मारिया? कहो हाँ, और फिर हम बहुत खुश रहेंगे, बोलता बोलता वो रुक गया। मारिया ने उसकी तरफ देखा एक मोमेंट के लिए और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे धीरे धीरे अपना सर हिलाया, वो घूमी और भाग गए। पॉल ने चिल्ला के बोला, मारिया रुको, लेकिन मारिया जा चुकी थी। पॉल अपने घर चला गया चुपचाप, वो कुछ समझ नहीं पाया, व्हाट इज रॉन्ग। उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। उसने उसका फेस देखा, ओह पुअर बॉय, क्या हुआ तुम्हारे साथ? लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, इसको लगा कि उस लड़की ने शायद इसको मना कर दिया। पॉल ने चुपचाप अपना रात का खाना खाया, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पॉल ने दरवाज़ा खोला, एक आदमी खड़ा था बाहर यूनिफॉर्म में, एक सर्वेंट था शायद। आई एम फ्रॉम द हाउस ऑन द हिल, उसने कहा, मेरी मिस्ट्रेस ने पॉल को बुलाया है। पॉल ने कहा, हाँ मैं ही हूँ पॉल, बोलो। कैन यू प्लीज़ कम विथ मी, उस सर्वेंट ने कहा। हाँ आता हूँ, पॉल बहुत एक्साइटेड था, शायद मारिया ने अपना माइंड चेंज कर लिया, शायद कुछ बात करने के लिए बुलाया होगा। लेकिन पॉल की मदर वहीं पर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी डोर पर। उसने अपने बेटे को उस सर्वेंट के साथ जाते हुए देखा और अपने आप में ही बोली, जानती हूँ उन लोगों को, रिच ओल्ड वुमेन और उसकी ब्यूटीफुल बेटी, मेरा बेचारा बेटा। अब वो घर ज़्यादा दूर नहीं था, वो सर्वेंट पॉल को वहाँ तक लेके आया
अल बहुत ही एक्साइटेड था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उस घर की रिचनेस देखकर उसकी आंखें फट गई। बहुत ही ग्रैंड रिच घर, कारपेट्स, पिक्चर्स, मिरर्स। उनमें से एक मिरर में इसने खुद को देखा। बहुत गरीब लग रहा था, टेरेबल लग रहा था। सर्वेंट ने अपने हाथ से दरवाज़ा खोला और पॉल अंदर गया। वहाँ पर वो ओल्ड लेडी बैठी थी बड़ी सी चेयर पर। मारिया पास में खड़ी थी। वो ओल्ड वुमेन बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, अगली थी। उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी और कोल्ड थी। उसका मुंह बहुत ही थिन और हार्ड था। उसके बूढ़े हाथों में बस रिंग्स ही रिंग्स पहनी हुई थी। बहुत ज़्यादा प्राउड और एंग्री लग रही थी। पॉल ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर मारिया की तरफ देखा। कितनी अगली वुमेन है, उसने सोचा। ये मारिया की मदर है। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, उस ओल्ड वुमेन ने कहा। उसकी वॉइस बहुत ही हार्ड थी। पॉल बहुत ही हिम्मत जुटा के उसकी तरफ देखता रहा और बोला, हाँ, मैं मारिया से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो ओल्ड वुमेन हंसने लगी। तुम एक गरीब लड़के, ना पैसा है, ना बाप है, ना कुछ है, ये बेटी तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। पॉल ने कुछ नहीं कहा। वो मारिया की तरफ देखता रहा, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अभी ज़रूर गरीब हूँ आंटी, लेकिन एक दिन मैं बहुत फेमस राइटर बनूंगा। वो ओल्ड वुमेन फिर से हंसने लगी। नो, मेरी बेटी तुम जैसों के लिए नहीं है। उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी। अब उठकर लेफ्ट वाले रूम में चले गए। मारिया और पॉल अकेले रह गए। पॉल ने मारिया की तरफ फिर से देखा, लेकिन वो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। पॉल उसके पास गया, अपनी आर्म को उसके राउंड रखा, लेकिन मारिया दूर हट गई। आई एम सॉरी पॉल, मेरी माँ सही कहती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। मैं गरीब नहीं रहना चाहती, मुझे पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, बड़ी कार चाहिए। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो, मारिया, पॉल ने कहा, और मैं तुमसे। उसे समझ नहीं पा रहा था, वो गुस्सा हो गया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पॉल, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ इतना तो ज़रूरी नहीं। और उसकी तरफ देखा। उसका फेस बहुत ही सैड लग रहा था। दो हफ्तों में मेरी शादी होने वाली है पॉल, गुड बाय, आई एम सॉरी। और उस बड़े से घर से बाहर आ गया और रिवर के पास जाकर बैठ गया। बहुत लंबे टाइम तक के लिए। मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद करती है, और वो दूसरे आदमी से शादी क्यों कर रही है? पैसों के लिए नहीं, उसकी आंखों में तो नहीं लग रहा। मैं उसका डरा हुआ चेहरा देख सकता हूँ। वो अगली ओल्ड वुमेन उसको डरा रही है, उसकी माँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? ओ मारिया। बहुत देर वहाँ बैठने के बाद पॉल घर गया। घर में बहुत छोटी सी लाइट जल रही थी। दरवाज़ा खुला था, उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। उसने अपने बेटे के फेस की तरफ देखा और अपनी आर्म्स को उसके राउंड। वो बहुत ही बुरे लोग हैं बेटा, मैं जानती थी, ऐसा ही कुछ होने वाला है, भूल जाओ उनको। बहुत दिनों तक पॉल अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिला। उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो किसी से भी बात नहीं करता था, वो अपनी माँ से भी बात नहीं करता था, ना तो खाता था, ना सोता था। अक्सर रिवर के पास जाता था, अकेला बैठता था, कुछ टाइम वहाँ बिताता था, मारिया का वेट करता था और वापस आ जाता था। और एक दिन न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन उसको देखने को मिली, रिच मैन्स ब्यूटीफुल ब्राइड, अमीर आदमी की बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइड। मारिया की पिक्चर थी अपने हस्बैंड के साथ उस पर। उसने एक बहुत ही लॉन्ग सी वाइट ड्रेस पहन रखी थी, एक डायमंड का नेकलेस पहन रखा था, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही ओल्ड और फैट था। पॉल ने न्यूज़पेपर पलट दिया गुस्से में, और न्यूज़पेपर के पीछे लकीली एक एडवर्टाइजमेंट थी जो शायद पॉल के लिए ही थी। पॉल उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने लगा कि अपनी स्टोरी लिखो और प्राइज जीतो। एक स्टोरी कॉम्पिटिशन था, चांस था यंग राइटर्स के लिए पहचान पाने का और पैसा कमाने का। स्टोरी किसी भी थीम पर हो सकती थी, लेकिन 1500 वर्ड से ज़्यादा नहीं। न्यूज़पेपर को वो स्टोरी ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले भेजनी थी। फर्स्ट प्राइज था 500 पाउंड्स का, और बाकी के 10 प्राइज जो उसके बाद में आएंगे उनको 50 पाउंड तो मिलेंगे ही। ये मेरा चांस है, पॉल ने अपने आप से कहा। मैं जीतूंगा इस कंपटीशन को, मैं अपनी और मारिया की स्टोरी लिखूंगा, इस कंपटीशन को जीतूंगा, वो मेरी स्टोरी पढ़ेगी और उसको रियलाइज होगा उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। पॉल इन दिनों बहुत बिजी रहने लगा था। वो जल्दी उठता था, अपनी स्टोरी पर काम करता था, और उसकी माँ को उसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि अब वो खाने लगा है, सोने लगा है, और अब उसे देखकर स्माइल आ रही थी उसके चेहरे पर। जब वो स्टोरी लिख रहा था तो कभी कभार खुश रहता था, कभी निराश रहता था। स्टोरी अच्छी जा रही थी, लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट होता था उसे लिखने का। कभी कभार उसको छोड़ने का मन करता था अपनी ये स्टोरी, लेकिन वो लिखता गया और फाइनली स्टोरी फिनिश हो गई। पॉल ने अपनी माँ को सुनाई और वो बहुत खुश हुई स्टोरी पढ़कर। बहुत अच्छी स्टोरी है पॉल, वेरी गुड। पॉल को अच्छा लगा, उसकी माँ को उसकी स्टोरी अच्छी लगी। इसके बाद केयरफुली उसने
जो भी करनी थी अपनी स्टोरी में काट छाट की और उसके बाद में न्यूज़पेपर को भेज दिया। अब 2 हफ्ते के बाद उसके घर एक लेटर आता है न्यूज़पेपर की तरफ से। पॉल ने वो लेटर खुद से नहीं खोला, बहुत एक्साइटेड था, उसने अपनी माँ को दे दिया। आप मेरे लिए पढ़ो मम्मी। पॉल की माँ ने लेटर को खोला और पढ़ा और उससे कहा खुद ही पढ़ लो अब तो तुम। उसको लेटर दिया और बहुत हंसने लगी, चिल्लाने लगी। पॉल ने अब खुद लेटर को पढ़ा, उसमें लिखा था कि डियर सर, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ स्टोरी कॉम्पिटिशन। इफ यू वुड काइंडली कॉल एट दिस ऑफिस ऑन थर्सडे एट 10 AM, द मैनेजर विल प्रेजेंट यू विथ योर प्राइज। कंग्रेचुलेशंस, योर फेथफुली। पॉल चिल्ला उठा, कूद उठा, यहाँ वहाँ किचन में भागने लगा। मैं जीत गया, मुझे प्राइज मिल गया, मैं एक राइटर बन सकता हूँ। अपनी माँ को बोलने लगा कि मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दिलाऊंगा, फर्नीचर खरीदूंगा इस घर के लिए। तभी वो रुक गया। क्या मारिया मेरी स्टोरी को देखेगी पेपर में? फिर उसकी माँ की हंसी रुक गई। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा, तुम अभी भी उस लड़की से प्यार करते हो पॉल? हाँ, हमेशा। उसके बाद पॉल न्यूज़पेपर ऑफिस में गया। मैनेजर बहुत ही फ्रेंडली आदमी था। तुम्हारी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, ये लो प्राइस का पैसा लो। पॉल को एक एनवलप दिया जिसमें 500 पाउंड्स थे। पॉल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मैनेजर को थैंक यू बोला और जाने लगा। प्लीज़ रुकिए, मैनेजर ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या करते हो तुम? जी अभी तो कुछ नहीं करता, पॉल ने कहा, लेकिन एक राइटर बनना चाहता हूँ। गुड, हमको एक यंग मैन की ज़रूरत है तुम्हारे जैसे। अगर तुम चाहो तो न्यूज़पेपर कंपनी में काम करने आ सकते हो। पॉल बहुत ही सरप्राइज हो गया। जी मैं आपकी न्यूज़पेपर कंपनी में? यस यस ऑफ कोर्स, मैं आऊँगा। पॉल वहाँ पर काम करने लगा न्यूज़पेपर में और बहुत ही हार्डवर्क करता था, लेकिन अब तक वो मारिया को भूला नहीं था। एक दिन एक रिपोर्टर आकर के ऑफिस में बोलता है, लिसन एवरीबडी, देखो आज के पेपर में स्टोरी क्या है। तुमको वो लड़की याद है मारिया, जिसकी अभी रिच हस्बैंड के साथ में शादी हुई थी, बहुत ही लैविश, उसकी फोटोग्राफ छपी है। वो अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग गई लास्ट वीक। हर कोई ऑफिस में बात कर रहा था, पॉल चुपचाप बैठा था, बहुत ही कोल्ड सा फील कर रहा था ये न्यूज़ सुनने के बाद में। मारिया ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, लेकिन क्यों? अभी तो कुछ महीनों पहले उनकी शादी हुई थी। रिपोर्टर बात किए जा रहा था कि उस लड़की की माँ मर गई लास्ट वीक, उसकी बेटी की भागने की न्यूज़ से उसको शॉक लगा और इसी शॉक में वो मर गई। वो अगली ओल्ड वुमन, पॉल ने सोचा। अरे वो तो बहुत पैसे वाली थी, किसी ने बोला। हाँ बहुत पैसे वाली थी, उस रिपोर्टर ने बोला। अब मारिया को उसका सारा पैसा मिलेगा ऑफ कोर्स, और उसके हस्बैंड से भी उसको बहुत पैसा, क्लोज, ज्यूल्स वगैरह सब कुछ मिला है, कार वगैरह। मारिया तो बहुत ही रिच हो गई है इस वक्त। किसी रिपोर्टर ने कहा कि मैं इन अमीर औरतों को पसंद नहीं करता, पता नहीं बहुत घमंड होता है इनके अंदर। पॉल ने कहा कि मारिया रिच है लेकिन उसमें घमंड नहीं है। तभी वो रुक गया। क्या तुम मारिया को जानते हो? उस रिपोर्टर ने पूछा। पॉल ने चुपचाप कहा, हाँ मैं जानता हूँ मारिया को। फिर वो रिपोर्टर बोला, वेल पॉल, अब उसकी माँ का फ्यूनरल हो रहा है, इतनी अमीर लेडी थी, तो हमको एक रिपोर्टर चाहिए जो वहाँ पर जा सके हमारे पेपर के लिए, तो क्यों ना तुम चले जाओ। पॉल गया अगले दिन फ्यूनरल पर। अब चर्च का रास्ता बहुत लंबा था, ये पैदल पैदल गया वहाँ पर, और जाता जाता सोच रहा था कि मारिया कभी मुझसे प्यार करती थी लेकिन उसने किसी और आदमी से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ से डरती थी। अब तो नहीं डरती ना, अब तो वो मर गई। पॉल दुखी था लेकिन बहुत खुश भी था। वो चर्च में गया, बहुत क्राउड आया हुआ था वहाँ पर, बहुत लोग थे, बहुत बड़ा फ्यूनरल था, बड़ी बड़ी ब्लैक कार्स खड़ी थी चर्च के बाहर, और वहाँ पर एक कॉफिन था, एक ताबूत जिस पर फूल रखे हुए थे। पॉल वहाँ पर क्राउड के पीछे खड़ा हो गया, अपना पेन और पेंसिल पेपर वगैरह निकाला और लिखने लगा कार्ड्स के बारे में, लोगों के बारे में। तभी उसकी नज़र पड़ती है मारिया पर। उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत सैड लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अकेली खड़ी थी, कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उसके पास नहीं जा रहा था। एक आदमी पॉल के पास में खड़ा था, बोला, ये है उस बूढ़ी औरत की लड़की, बहुत बुरी औरत है, अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग गई, अपनी माँ को मार दिया, देखो इसकी तरफ, कोई उससे बात नहीं कर रहा। पॉल कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन रहा था उसे। पुअर मारिया, उसने सोचा।
सारे के सारे चर्च के अंदर गए, फ्यूनरल शुरू हुआ। आफ्टर द फ्यूनरल पॉल घर आ गया अपनी माँ के पास में, उसकी माँ हंस रही थी। पॉल बेटा, बहुत खुशी की बात है, तुम्हें याद है तुम्हारी कज़न एल्सा, 17 साल की हो गई है, बड़ी हो गई है, आ रही है हमारे साथ रहने के लिए यहाँ पर, बहुत खूबसूरत हो गई है, तुम उसे ज़रूर पसंद करोगे। हाँ मैं जानता हूँ एल्सा, याद है मुझे। लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था, बहुत डिसअपॉइंटेड था। पॉल मारिया के पास वापस जाना चाहता था, उसे देखना चाहता था। मैं वापस जाऊँगा हाउस ऑन द हिल, उस बड़े से घर में, शायद मारिया वहीं होगी। लेकिन वो घर बहुत ही खाली खाली लग रहा था, और उसके बाहर एक बड़ा सा नोटिस लगा हुआ था, फॉर सेल, मतलब बेचा जा रहा था इस घर को। पॉल ने उस गेट की तरफ देखा, कोई गार्डन में नहीं था, सब कुछ शांत था। वो चुपचाप घर में घुस गया, चारों तरफ देखा, उसको लग रहा था शायद इधर से मैं मारिया का एड्रेस पता कर सकूँगा, मैं उसको कुछ लिख सकूँगा। एक खिड़की खुली थी, उधर से कूदकर वो ओपन विंडो से कूदकर चला गया। बहुत एक्साइटेड था, उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। ये मारिया का पुराना घर है, उसे याद है उसकी वो माँ, उसे याद है वो टेरेबल इवनिंग। इस घर में बिल्कुल शांति थी, कोई फर्नीचर नहीं था, ये घर बहुत ही डिफरेंट हो चुका था, कोई कारपेट्स पिक्चर वगैरह कुछ नहीं थी, खाली था ये घर। पॉल बहुत ही डरा हुआ था। क्या इस घर में कोई है? शायद कोई नहीं है, उसने सोचा। चुपचाप वो दरवाजे के पास गया और उसको खोला, कोई वहाँ पर नहीं था। फिर वो रूम से रूम घूमता रहा, बड़े बड़े रूम्स थे, सब खाली थे। और उसके बाद वो इस घर के सबसे बड़े वाले रूम में गया और वहाँ जाके रुक गया। ये उस रूम को जानता था, यहीं कभी उसकी मुलाकात मारिया की माँ से हुई थी, सब कुछ याद है उसे, वो ओल्ड वुमन, उसका हार्ड फेस, उसकी बड़ी बड़ी रिंग्स, उसके हाथ। लेकिन आज वो ओल्ड वुमन मर चुकी है। तभी पॉल को कोई आवाज़ सुनाई देती है, कोई है इस रूम में, दरवाज़ा खुला था, कोई वुमन खड़ी थी वहाँ पर। मारिया, पॉल ने कहा, पॉल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया था। मुझे ढूंढने आए थे? वो मुस्कुरा कर बोली। मारिया, तुमने उस आदमी से शादी क्यों की? मारिया बोली कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी थी, मैं बहुत अनहैप्पी थी, दूसरे लोगों की तरह मैं कभी पार्टीज में नहीं जाती थी, ना कहीं बाहर जाती थी, मैं थोड़ा पैसा चाहती थी, अच्छा टाइम चाहती थी, फ्रेंड्स चाहती थी। मैं समझ सकता हूँ मारिया, तुम अपनी माँ से डरती थी, तुम अपनी लाइफ से टायर्ड हो चुकी थी, बहुत ओल्ड थी वो, और तुमको एक नई लाइफ चाहिए थी। लेकिन तुमने अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा? मेरा हस्बैंड? वो बहुत ही फैट और ओल्ड था, बहुत स्टूपिड था पॉल, उसने मुझे पैसा दिया, जूल्स दिए, कार दी, लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स को पसंद नहीं करता था, वो ओल्ड लोगों को ज़्यादा पसंद करता था, बहुत क्लेवर था, यंग लोगों से बात नहीं करता था। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ पॉल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ समझ रहा हूँ, पॉल ने कहा। आई एम ग्लैड पॉल, तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती थी, तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारी फ़नी पोएम्स पसंद करती हूँ। मेरी फ़नी पोएम्स? पॉल रुक गया। तुम मुझे प्यार करते हो ना पॉल? मारिया ने पूछा। लेकिन तुम शादीशुदा ये मत भूलो मारिया, तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, मारिया ने कहा। मैं फ्री रहना चाहती हूँ, पार्टीज़ करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। आओ दोनों शादी कर लेते हैं पॉल, अब तो मेरे पास पैसा भी है, हम लोग खुशी से रहेंगे। नहीं, पॉल ने कहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। मारिया गुस्सा हो गई, उसकी आंखें छोटी और कोल्ड हो गई, उसका मुंह थिन और हार्ड हो गया। और पॉल ने जब उसके हाथों की तरफ देखा तो उसने भी रिंग्स पहन रखी थी, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही थी। आई एम सॉरी मारिया, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, कभी करता था लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, गुड बाय। लेकिन तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मारिया ने कहा। अरे जाओ अपने हस्बैंड के पास वापस जाओ। एक लास्ट बार उसने पलट कर देखा, वो लास्ट बार उसने पलट कर देखा मारिया की तरफ, और उस घर को छोड़कर बाहर आ गया। कितना पागल था मैं, मारिया ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, कितना स्टूपिड था। वो ब्यूटीफुल थी लेकिन वो हार्ड और कोल्ड भी तो थी अपनी माँ की तरह। मैंने सिर्फ उसकी ब्यूटी को देखा, मुझे उसकी ब्यूटी से प्यार था, उससे नहीं।
वो बहुत ही लवली इवनिंग थी। पॉल फिर से खुश हुआ, बहुत दिनों बाद खुश हुआ। अपने लिटिल ब्राउन हाउस में गया। उसकी माँ के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। पॉल की माँ ने कहा, पॉल ये तुम्हारी कज़न है एल्सा। हेलो एल्सा, पॉल ने कहा और स्माइल किया।